हैप्पी एनिवर्सरी टू अस। थैंक यू। Hi guys, a very good morning, and today is our anniversary day. Had breakfast. यहाँ का breakfast इतना अच्छा नहीं है. The room is very nice, worth staying. Cleanliness wise and everything is really very good. The staff is good, but they don't have lots of variety. I don't know, the management is not good with regards to the kitchen. बट तभी भी चलता है. वी हैव लाइक आज का दिन ना बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैंने कह रही हमने प्लान किया है. वैसे इट्स आर एनिवर्सरी, 6th एनिवर्सरी, 6 साल. यार बहुत बड़ी बात है. एंड द बेस्ट थिंग इज द बॉन्ड इज स्टिल इट एज इफ वी हैव मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो सबसे अच्छी बात है. टच वुड, विच आई एम रियली फील सो ब्लेस्ड के हमने वो मेंटेन करके रखा है. जैसे इट्स द सेम चार्म, यू नो, ऐसे लगता नहीं है कि हमारे 6 साल हो गए हैं. एंड थैंक्स फॉर ऑल योर विशेस. सबकी विशेस मिली थी. इट फील सो स्पेशल. और 25K का वन अपडेट, 25K का जो गिव अवे था विल बी कमिंग ऑन मंडे. ठीक है, तो मंडे गिव अवे चालू हो जाएगा. एंड टुडे इज अ वेरी हेक्टिक डे, क्योंकि फर्स्ट वी विल मीट वन ऑफ यू सब्सक्राइबर. इट सीम्स यस, वन ऑफ यू सब्सक्राइबर स्टे इन भुज, एंड देयर वाज वन मोर गर्ल हु वांटेड टू मीट. आई डोंट नो, देयर आर वन और टू सब्सक्राइबर्स, सो मे बी आई विल मीट देम. एंड द नेक्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू गो टू रन ऑफ कट अगेन, क्योंकि हमें थोड़े शॉर्ट्स चाहिए थे सनसेट के टाइम पे. सनराइज पे नहीं इतने जल्दी उठ सकते, बट सनराइज सनसेट वी थॉट ऑफ सीइंग. फिर उसके बाद प्लान होगा फॉर अ डिनर. डिनर के लिए हमने एक बहुत अच्छी जगह बुक की है. एंड लेट्स स्टार्ट द डे. सो वी आर बैक नाउ, एंड हम अभी जा रहे हैं स्वामी नारायण मंदिर. इट्स 1 o'clock. वी स्टार्टेड आर डे वेरी लेट. एंड तुहानू सबनू वैलेंटाइन डे दी लख लख वधाइयां. वैलेंटाइन पंजाबी में बोलना, मैंने नहीं आंदा पंजाबी बोलना, पण दिस मराठी एलिमेंट इनसाइड इट सीम्स. पर तान मैं क्या बोल रही हूँ, आता क्या है, देखो मुझे सब कुछ आता है. तुहानू लख लख वधाइयां वैलेंटाइन डे दी. तुसी बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करो अपने. सब नु लख लख वधाइयां हो जी. ही डजंट नो पंजाब. एंड तुसी अपने जिहड़े खास लोग हैं जो तुसा दे बहुत दिल दे करीब हैं, उन्हां नाल सेलिब्रेट करो. चाहे वह कोई भी हो सकता है, तुसा दा बॉयफ्रेंड या तुसा हसबेंड, तुसा दी मदर, तुसा दी सिस्टर, तुसा दा बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो सकता है. बस तुसी सेलिब्रेट करो जिहड़ा असीं करने पे आ. एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दोज हु डिड नॉट अंडरस्टैंड. इट वॉज जस्ट विश, ओके, नॉट मोर देन दैट. बट मैं चाहूंगी कि मैं थोड़ी थोड़ी पंजाबी भी बोलूँ. यार मुझे आती है, एंड मैं पंजाबी में ही बात करती हूँ. इसे नहीं आती. ये दिल्ली में रह के पंजाबी नहीं बोलता, और मैं मुंबई की हूँ तभी भी पंजाबी में बात करती हूँ. मैं लेकिन पंजाबी पूरी समझ लेता हूँ, और कुछ भी पंजाबी नहीं समझ पाती. अच्छा, हाँ ठीक है. हाँ मैं बोल लेती हूँ तो समझ नहीं पाती. सी इट डिफर्स स्टेट वाइज भी, पंजाबी बहुत डिफर करती है. हम खड़ी पंजाबी तो नहीं बोलते, बट हम मुल्तानी बोलते हैं ज्यादा करके. एंड दूसरी बात है यार, अपनी लैंग्वेज बोलनी चाहिए. डोंट बी अशेम्ड. अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मत बोलो. बहुत जगह ये होता है कि
कि नहीं इंग्लिश में अगर बात नहीं की तो वो लोग गवार हैं या उन्हें कुछ समझ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं होता. बी प्राउड ऑफ योर मदर टंग. और मैं तो चाहती हूँ कि कभी भी हमारे बच्चे हों तो पहले वो पंजाबी या हिंदी सीखें रादर देन इंग्लिश. इंग्लिश तो जिंदगी भर सीखते रहेंगे, अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए. इनफैक्ट आई लव दिस थिंग अबाउट गुजरातीज. मेरे को अपनी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, दैट इज हिंदी. आई थिंक योर मदर टंग इज नॉट हिंदी. वी आर मदर, माय मदर टंग इज हिंदी. माय मदर इज फ्रॉम यूपी और वहाँ पे हिंदी बोली जाती है. दैट डजंट मीन कि तुम्हारी मम्मी का, मैं मुंबई में रहती तो मैं मराठी है मेरा मदर टंग. नहीं, इट्स दैट हमारा मदर टंग पंजाबी है, हम पंजाबी हैं. वाह बड़ा आया. जो चीजें से नहीं आती वो बस उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा. हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है. उसके बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के लिए तैयार हुई हूँ. सिर्फ हरा हरा दुपट्टा लू या ऑरेंज दुपट्टा लू? ऑरेंज तो हो गया ना, हरा ही लेगी ना. दिस इज नॉट ऑरेंज, दिस इज पेस्टल पिंक. Oh my God, it's pastel pink. Hey, देखियो, देखियो जरा. और हमने अपने इंस्टा स्टोरी पे कल ही शेयर किया था कि वैलेंटाइन डे पर शादी करने के दुर, वो क्या बोलते हैं, दुरुपयोग नहीं, डिसएडवांटेज का क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज का क्या बोलते हैं? अरे आपकी डिसएडवांटेज. भावनाओं को समझो यार, भावनाओं को समझने वाले समझ गए, तुम समझाते रह गए. बताओ क्या है फर्स्ट, तुम बताओ तुम्हें कौन. अच्छा तो क्या पूछ रही थी मैं, डिसएडवांटेज क्या है वैलेंटाइन डे पर शादी करने का? एक तो ना कहीं भी आप डिनर विनर करने जाओ या कुछ भी आप प्लान करो, एक तो रश बहुत होता है. पहला मेरी तरफ से चलो रश बहुत होता है, वैसे बहुत सारे हैं. चलो मेरे तरफ से पहला कि कहीं भी जाओ ना बुकिंग हमेशा भर जाती है, तो बहुत प्री प्लान करना पड़ता है. क्राउडेड रहता है, मेरी तरफ से एक्सपेंसिव. हाँ. यार एक रोज तक भी 30-40 रुपए का आ जाता है. हमने तो डिसाइड कर दिया हम नहीं देने वाले कभी भी. दूसरी बात है सेल वगैरह रहती है बट स्टिल थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव. जैसे हमने कल डिनर बुक किया तो सेम डिनर 3000 में था बट वैलेंटाइन की वजह से 5000 का हो गया. बट मतलब थिंग्स आर एक्सपेंसिव. अच्छा मैं आ जाता हूँ. अब हम कभी चाहें कि चलो इस बार फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें, अब वो कहेंगे यार वैलेंटाइन हमारा भी है, अब हम तुम्हारी एनिवर्सरी एंजॉय करें, अपना वैलेंटाइन मनाएं. एग्जैक्टली ये भी है. बिकॉज कल आपके बच्चे हो जाएंगे, बच्चे कहेंगे, हम कहेंगे बच्चों को चलो हमारी एनिवर्सरी के साथ में चलो, बच्चे कहेंगे वाह जी वाह हम अपनी गर्लफ्रेंड है ना घुमाए, आपने तो अपनी जवानियों में कर ली, घुमा ली गर्लफ्रेंड है वैलेंटाइन पे, हम ना घुमाए हम आपकी एनिवर्सरी पे चले. वो तो है. मेरे को लगता है इसके लिए हम जो एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना वो कभी कभार लोगों को लगती है अरे इन लोग कितने ओल्ड हो गए हैं. वैलेंटाइन मतलब वैलेंटाइन वाला वो चीप चीजें ना मेरे को अच्छी नहीं लगती, जैसे वो हार्ट वाला बलून और वो सब. बट समटाइम्स यू गेट एक्साइटेड टू डू ऑल दीज थिंग्स और फिर मुझे ना अपने आप को ये मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं वैलेंटाइन डे के लिए कर रही हूँ या मैं एनिवर्सरी के लिए कर रही हूँ, मुझे बड़ा कन्फ्यूज होता है. थोड़ा सा अजीब लगता है. हम तो यही सोच रहे हैं एनिवर्सरी हमारी पूरा वर्ल्ड एंजॉय करेगा, पूरा वर्ल्ड मनाता है हमारी एनिवर्सरी. सो वी आर गोइंग नाउ टू दिस टेम्पल स्वामी नारायण. स्वामी नारायण ये हाफ चड्डी में आया, मतलब इसे हाफ निकल डाली है जबकि मैंने इसे बोला था और आज मैं पूरे सूट वूट में हूँ. तो मतलब अगर हम मंदिर एक हाफ चड्डी के यार एक बस नहीं तो भी क्या है, क्या डिसेंट है, ये अच्छा है. स्मार्ट कोई फ्रॉक डाल के मंदिर जाता है, हर जगह की एक अपने वो होते हैं, इसे अंदर जाने ही नहीं दे वो, मजा आएगा तब. ये क्या बात है, फिर पैंट आके बदलाई हो गाड़ी में बैठ के. चल रखी है मैंने फॉर बैकअप, अगर जाने दिया तो खुशबू की होगी झंड. सो वी हैव कम टू मीट वन ऑफ यू, शी इज फ्रॉम भुज एंड वी हैव कम टू आवर होटल टू जस्ट मीट हर. That's a very great thing for us and we have like you all from so like all over the world now and I'm so happy. So we are going to meet her now. Okay. Thank you so much Harshi for making our day. ये मेरी एनिवर्सरी थी बट यार आप लोग इतना बड़ा, यस आप लोग इतना बड़ा रोल हमारी लाइफ में अभी यू नो यू आर वेरी स्पेशल टू अस सारे ही.
और आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, कहाँ हमें कोई नहीं जानता, और आज हम भुज आए हैं और वहाँ एक सब्सक्राइबर है हमारा, शी ऑर्गेनाइज द फुल लंच, यू नो आई फील सो एम्बेरस कि मैंने उसे, मतलब आई वॉज शाई, यू नो फर्स्ट टाइम किसी को मिला, आपको जो शाइनेस रहती है, एंड आई वॉज शाई, नहीं नहीं हम लंच नहीं करने वाले, वील जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ यू, वील जस्ट स्पेंड सम टाइम विथ यू, एंड देन वी वेंट देयर एंड एवरीथिंग वॉज, द टेबल वॉज ऑर्गेनाइज फॉर आस, द मेन्यू वॉज सेट एंड एवरीथिंग वॉज देयर, यार देख के भी लगा कि ये हो क्या रहा है, एंड सीरियसली वी आर सो थैंकफुल टू यू, वी आर सो शी, मतलब लाइक पता घर जैसी फीलिंग थी कि हम बाहर है, ऐसा लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा है कि हम डायरेक्टली, जैसे आप और मैं एक दूसरे को कब से जानते हैं, कब से एक दूसरे के साथ ही हैं, इट वॉज सच अ स्पेशल फीलिंग, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ डे, मैं अपनी 6th एनिवर्सरी कभी नहीं भूलूंगी लाइफ में, हम कहीं पर भी चले जाएं, कितना भी लैविश डिनर ये वो कर लें, बट पता है ये छोटी छोटी चीजें जब आपके काम के लिए कोई आपको जानता है वो बहुत मैटर करती हैं, मैं कोई नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू, बट तो भी अगर आपने अपनी लाइफ में मुझे इन्वॉल्व किया है तो इट मीन्स अ लॉट टू अस, थैंक यू हर्षी, योर हस्बैंड, योर फैमिली, योर इन लॉज वर सो स्वीट, दे केम एंड दे, यू नो दे ग्रीटेड अस सो नाइसली, बहुत बड़ी बात है यार, थैंक यू, आई मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है, ये पता नहीं दिन मेरे लिए कितना, मैं बता ही नहीं सकती है कितना स्पेशल मोमेंट है, यू नो हर हस्बैंड धीरज वाज एक्चुअली एट वर्क एंड ही स्पेशली केम फॉर अस एंड ही टुक आउट टाइम एंड सैट विद अस, हैड लंच विद अस, एंड दैट वाज ऑन अ बहुत बड़ी बात है, वीक डे नॉट, बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सच में आप इतना करते हो, हमें इतना प्यार देते हो, थैंक यू सो मच, हमें बहुत, शी गिफ्टेड मी दिस बैग आल्सो, दैट इज सो स्वीट ऑफ हर, दैट इज रियली वेरी स्वीट, बहुत अच्छा लगा हमें, हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते शायद अभी, हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे कभी भी नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम डेट 2 से 3 घंटे निकालना किसी के लिए बहुत बड़ी बात है यार, कौन करता है इतना आजकल, तो कोई नहीं, हम अपनी फैमिली के लिए उतना नहीं कर पाते जितना हम एक अननोन के लिए कर रहे हैं, देयर फूड इज रियली वेरी अमेजिंग, माई नेक्स्ट व्लॉग यू विल सी कम्प्लीट, आई विल लिंक डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देयर होल स्टे, लाइक इट्स होटल मंगलम, दे हैव सैफरन, देयर रेस्टोरेंट नेम इज सैफरन, अगर आप कभी विजिट कर रहे हो भुज, यहाँ खाना यार, हम बहुत, हमने ट्रिप एडवाइजर वगैरह पे देख के हमने अपना बहुत स्पॉइल करा, हमने बस बता नहीं सकते, लेकिन इनका खाना बहुत अमेजिंग, और हम ऐसे नहीं बोल रहे, हम खा के आए हैं, और सच में जो हमें मतलब जो टेस्ट था बहुत बहुत अमेजिंग था, उनका सूप, उनका मतलब कुछ भी आप मंगा लो, सब क्या था यार टेस्ट, मतलब हम सच में बता नहीं सकते, एंड आई डिडंट वांटेड टू ब्लॉग दैट पार्ट जस्ट बिकॉज वी वर एंजॉयिंग दैट टाइम, पता है उनके साथ, कल हम फिर जाने वाले हैं बिकॉज हमारे होटल में ब्रेकफास्ट बहुत गंदा है, एंड इन फैक्ट वी वर क्राइंग सिंस मॉर्निंग कि ब्रेकफास्ट इतना गंदा है, कहाँ जाएं, बट वी गॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, एंड हर्षी you made my day girl, you really made my day, you will see this vlog tomorrow at 12:30 PM and I'll be traveling back to Udaipur and you'll really feel that ki main kitni khush hu, in fact I'm going to call my mom now and tell her ki mere sath ye hua and I'll be like so happy, thank you everyone jinhone hame message kiya, मतलब कमेंट सेक्शन पे जाके लिखा हैप्पी एनिवर्सरी, कितने आप लोग खुश हो, हमसे ज्यादा जब हम आपको देखते हैं ना वो स्माइल के साथ, तो और अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि यार ये कोई है हमारे लिए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। ये सारे राजा रहे हैं 1510 से 19वीं पीढ़ी, अभी ये करंट है प्रागमल जी, ये लास्ट महाराजा, ये विजय राज, विजय विलास बनाया नहीं है, अभी जो है ना प्रीति देवी, प्रागमल जी और प्रीति देवी अभी के दोनों, और ये मेन सिटी लगान में दिखा दे ये पूरा, अच्छा ब्रिटिश का हेडक्वार्टर है, चमड़ी अंदर बड़ा, असली है खाल ओरिजिनल, असली चीता की खाल शिकार करा हुआ, तो ये अभी तक कैसे, अभी खाल उसमें केमिकल्स भर के रखा हुआ, ये डाइनिंग
ये बालकनी टी रूम इनका, पीछे गार्डन माउंटेन, ये सब 750 एकड़ है पूरा जमीन। अच्छा, यहाँ का वीकेंड आउट के लिए बनाया था इनका दादा ने, विजय राज्य साहब ने। अभी जो है दोनों राजा रानी ये रहे, 2012 का फोटो है, प्रीति देवी और प्रागमल जी, करंट महाराजा करंट महारानी अभी जो है वो, और ये इनके दादा जिसने पैलेस बनाया विजय राज, विजय विलास, और वो चंबल का है रिवल चंबल, और ये अभी के राजा 2010 का फोटो है दशहरा का, वो आइजनवर का है पुराना फोटो है, ये रियल है दूसरा टाइगर, वो चीता था ये टाइगर है, स्टिच किया हुआ है आप देख सकते हैं इनको, ये रहेगा फोटो जब शिकार किया तब मैसूर से, और वो भुज का महल है इनका, प्राग महल आईना महल जो भुज में, ये समर वेकेशन के लिए था, ये सब गिर का फोटो है गिर फॉरेस्ट, सब इनले किए हुए लाइक आगरा मार्बल का काम है सब पुराना, ये सिटिंग रूम है सब पुराना नक्शी वाला फर्नीचर है, ड्राइंग रूम इनका सिटिंग रूम, और ये जो शूटिंग हुई है इनका फोटो छत पे, दिल दे चुके सनम का एक सॉन्ग है, कमांडो का है, फिर लगान का जो गांव बनाया था भुज में क्रिकेट के लिए, ये कमांडो वन का ऊपर सॉन्ग है सावन मेरी, ये करवा चौथ का रात का सीन है टेरेस में, वो फैशन शो है मुंबई का, बेंजर मुंबई प्लेट मुंबई, ये अमिताभ आया था 2010 में कच्छ के लिए एड बनाया, दिस प्लेस वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड बाई वन ऑफ यू हर्षी होम वी मेट टूडे, और इतना अच्छा बहुत सुंदर पैलेस है, द पैलेस वॉज रियली वेरी नाइस, फोटोजेनिक, पैलेस इज वेरी रियली वेरी नाइस, बहुत फोटोजेनिक है, दिस इज द सेम पैलेस दैट इज बीन शोन इन द मूवी लगान एज अ ब्रिटिश हेडक्वार्टर्स, एंड इन हम दिल दे चुके सनम जहाँ पे वो गाना शूट हुआ है, कौन सा था आया रे आया चिंता नहीं और भी, हाँ तो चांद छुपा जी, हाँ वो बोला चांद छुपा, कॉपीराइट आ जाएगा तुम बट इट वाज रियली फन, और आप में से ही एक ने जब हमें रेकमेंड किया कि हम सोचे थे कि आज फिर रन ऑफ कर जाएं बट टू सी द सनसेट, बट यहाँ पर इतनी अमेजिंग फोटोज आई हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, आई एम हैप्पी हैप्पी, और डिनर लंच डिनर की तो हम सोच ही नहीं सकते, लंच was amazing. So now we came back from Mandvi. हम एक कहाँ गए थे? Mandvi Vijay Vilas. हाँ Mandvi Vijay Vilas. फोटो खींच गए ना बस. मैडम का काम पूरा हो गया. इसके फोटो तो अच्छे-अच्छे खींच गए. हाँ इसके भी मैंने खींचे हाँ. मैं दिखाऊंगा इसने मेरे कैसे खींचे. अब देखना आप मेरी स्क्रीन पे और बताना. मैं दोनों डालूंगा. खुशबू का मेरा. बताना जरा तीन फोटो खींचे. तीन फोटो ना ऐसे मैं दिखा भी नहीं सकता. उन तीन में से जो बेस्ट होंगी ना वो दिखाऊंगा. प्लीज प्लीज हाँ इस बार अच्छी फोटो आई थी. इस बार अच्छी फोटो आई थी. बोलियो मैं फालतू. तो हम अभी लोगों को जज करने देना. ओके राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मैंने अच्छे फोटो खींचे हैं. ठीक है ये लिख देना मैंने अच्छे फोटो खींचे हैं. हाय हाय तुम मार दोगे आज मुझे. सो नाउ वी आर गोइंग टू दिस स्वामी नारायण मंदिर. हमने सुबह से मत्था नहीं टेका था कहीं पर भी. ये बंद था सुबह जब हम आए तो अब हम मत्था टेक के आते हैं. ओके इट्स सो ब्यूटिफुल वेरी ब्यूटिफुल देखने में इतना अच्छा लग रहा है ना. मस्ट विजिट प्लेस. बहुत पीसफुल है. लुक एट द स्काई यू नो इट्स द सनसेट टाइम एंड लुक एट द ऑरेंज शेड बिहाइंड मी. इट्स लुकिंग सो लवली. Till now the day was the best day of my life. सच में इस टाइम पर मैं तैयार हो रही थी. तुम तैयार हो गए थे इस टाइम तक? ओ मैं तो कब से तैयार बैठा था. अच्छा मैं तो 4 बजे का तैयार बैठा था और अपने बरातियों को तैयार कर रहा था. चलो चलो जल्दी तैयार हो टाइमली निकलना है. ये जीवन भर ही घड़ी रहेगा. प्रभु जाने
राइट, सो देयर्स अगेन अ डे एंड और मैं ज़्यादा नहीं व्लॉग कर पाई आज शाम का एटलीस्ट, जस्ट बिकॉज वी वॉन्टेड टू इन्जॉय अ प्राइवेट मोमेंट काइंड ऑफ एंड इट वॉज अ लवली डे. आप सब ने इतने अच्छे से हमें विश किया एंड यू नो सबने हमारे लिए कितना स्पेशल किया एंड स्पेशल थैंक्स टू हर्षी एंड नीरज. इट्स नॉट धीरज, इट्स नीरज, वी आर सो सॉरी. आप दोनों ने कितना मतलब लाइक हम कब भूल नहीं पाएंगे है ना, ऐसे वाली फीलिंग थी. हम बहुत टायर्ड, हमने सोचा भी नहीं हुआ था. उन्होंने पूरा लंच ऑर्गेनाइज करा हुआ, सब कुछ करा हुआ, दैट वाज वेरी वेरी स्पेशल फॉर अस. थैंक यू सो मच. एंड द बेस्ट पार्ट इज बीइंग अ सब्सक्राइबर, शी टोल्ड अस के आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी ग्रोथ मैंने देखी है. यू नो दैट वाज द बेस्ट थिंग कि आपको भी महसूस होता है, जैसे अगर आपको मेरी वियर्ड से वियर्ड वीडियोस देखनी है ना, मेरी फर्स्ट 2-3 वीडियोस देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे हमने स्टार्ट किया था. बट आई एम नॉट अशेम्ड, बट आई मैं लिंक्स डाल दूंगा नीचे, आप देखना. आप मतलब उस टाइम पे टट्टी एक्टिंग, बट वी आर प्राउड ऑफ इट यार. सब वहीं से तो ग्रो होते हैं. बहुत थके हुए हैं. थैंक यू सो मच, आप सबने हमारा डे इतना स्पेशल किया. कितनी विशेस आई हैं एंड एवरीवन वर देयर. जैसे हमारे साथ वो ना कोई भी अपडेट देखते थे, ओह वाओ यू आर लुकिंग वेरी नाइस, मतलब व्हाट अ नाइस केक और सब कुछ. मतलब जैसे ना आप हमारे साथ एंजॉय कर रहे थे पूरा दिन. तो मैं एडिटिंग करनी है तो नींद आ रही, कॉफी पीने के बाद ये हाल है ऐसे आदमियों का. कॉफी पीने के बाद आग नहीं खुली, मतलब ऐसा है कि जैसे पुतली ना गिर रही है. ठीक है, क्या हाथ है पुतली ऐसे कौन सी आई लेड हाथ हो गई, ये ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आई है. हम ऐसे ही हैं, प्लीज. मेरी एक हाथ छोटी बड़ी क्यों लग रही है? एक हाथ छोटी बड़ी है, यू नो. नहीं पहले नहीं थी. नहीं मैं नोटिस किया बहुत टाइम से. क्या करे तूने मेरी आंखों के साथ? पता है ये कैसा बनना है, ये जब घर होता है ना तब इसको मेरे नाक के बाल नहीं दिखेंगे. जैसे हम तैयार होके कहीं पर भी जाएं, अब जैसे रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वहां जाके बोलेगा खुशबू तेरे नाक के बाल दिख रही है. मतलब यार इतना गुस्सा आता है ना, घर पे कभी नहीं बताएगा. दूसरा किसी के सामने बेइज्जती मारने के लिए रुकेगा नहीं और फिर कहता है अब तो पूरे दुनिया के सामने मरती है तो फिर क्या इतनी तुझे शर्म. वेटर खड़ा हुआ था, मैं वॉशरूम होके आई, मैंने हाथ धोए होंगे तो मेरी ड्रेस थोड़ी गीली हो गई आगे से, उसके सामने बोल रहा है कि क्या करके आई ड्रेस गीली हो गई. मतलब लाइक कैसे आदमी है ना सच में. मेरे बच्चे नींद आ रही है अभी, सो जाओ. ओके सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बटन लाइक. शर्मा के रहे बोलो उन्हें, अब सब्सक्राइब नहीं करते मैं सैड हो जाऊंगी. सो प्लीज सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड. वैसे हमने पी नहीं है, ड्राई स्टेट है तो ये मत सोचना हम बस पागल हुए, बट वी आर वेरी एक्साइटेड. ओके बाय.